हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर लेसन, चैप्टर नंबर 4, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम। ओके, सो दिस इज क्लास 10 सेवा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। ओके, लेट अस बिगिन। सो हियर द की वर्ड आपके लेसन में क्या है कि ग्रोथ ऑफ एसमिस नेशनलिज्म, नेशनल अवेकनिंग। ओके, और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये फर्स्ट बात आप लोग एक बिठा लो दिमाग में, दैट इंडिया में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इज़ वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नाउ नेशनलिज्म का अगर मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन बोलूँ तो इट विल बी दैट when a group of people living in a geographical area came to identify themselves as belonging to one cultural heritage, okay, on the basis of their shared past, culture, etc. so jab log अपने आप को एक साथ पाते हैं कि हम लोग एक नेशन को बिलोंग करते हैं, हम लोग एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, तब वो उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है। और नेशनलिज्म की जब फीलिंग जागती है तब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो लोगों के साथ जो हमारे नेशन का हिस्सा नहीं है। अंडरस्टूड? थोड़ा इट इज़ ट्रिकी टू अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू ऑल्सो विजुअलाइज इट इन योर माइंड। ओके, सो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट क्यों हुआ? जब इंडियन लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी, तो इंडियंस को रियलाइज हुआ दैट ब्रिटिश पीपल वेर रूलिंग अपॉन आस, विच वॉज नॉट राइट बिकॉज दे डिड नॉट बिलोंग टू इंडियन नेशन, दे वेर ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी विच वॉज ब्रिटिश, और ब्रिटेन से वो लोग आए थे। एंड Indians should live here and rule here. Okay, so उससे ही Indian freedom struggle movement जो हम लोग देखते हैं it started. I hope it is clear till now. अगर आप लोगों ने ये concept समझ लिया तो बाकी चीज़ें बहुत ही easy हो जाएंगी. Okay, so look it in that way. So now in this chapter we will be talking about growth of Asmis nationalism. कैसे हुआ, कैसे, हाउ एसमिस पीपल केम टुगेदर टू गिव अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को एक बढ़ावा देने के लिए। सो क्या होता था कि उस टाइम पे ऐसा बोला जाता था बाय द ब्रिटिश ऑल्सो एंड बाय अदर्स दैट बंगाली एंड एसमिस कल्चर इज़ सिमिलर एंड दैट एसमिस कल्चर इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। सो इस मुद्दे को लेकर ही एसमिस नेशनलिज्म थोड़ा जागा। ऑल राइट, दैट पीपल, एसमिस पीपल वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज एंड एसमिस कल्चर एंड लैंग्वेज, एंड देयरफॉर दे स्ट्राइव्ड, दे वर्कड हार्ड टू गिव एसमिस लैंग्वेज इट्स ओन आइडेंटिटी, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की, ग्रामर बुक लाने की कोशिश की, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए इन एसमिस लैंग्वेज जस्ट इन ऑर्डर टू मेक एसमिस अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ओके, कि उसका भी मान सम्मान हो। तो आगे हम लोग यही पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट इट, गो थ्रू द इंट्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ एसमिस नेशनलिज्म। सो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार 1925 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, यानदब्बू ट्रीटी साइन किया गया था जिसके तहत बर्मिस चले गए थे असम से, और जो असम है वो अंदर आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर 1857 में हम लोग देखते हैं कि सिपॉय म्यूटिनी हुआ था जिसके बारे में आप लोग ने पढ़ा भी है। फिर 1858 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है। ओके, उस प्रोक्लेमेशन में क्या बोला जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अभी रूल नहीं करेगी इंडिया को, बट दी रूल ओवर इंडिया विल बी डायरेक्टली डन बाय द ब्रिटिश क्राउन। ओके, ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्वीन के अंदर वो डायरेक्टली आ जाएगा।
ओके, आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर दैट पहले 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग इंडिया. ठीक है, सारा अफेयर्स उनके अंदर था. लेकिन जैसे ही सिपॉय म्यूटिनी हुआ 1858 में, क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी नाउ नॉट अलाउड टू रूल इंडिया, बट ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करेगी. ओके, तो फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1826 टू 1858 इज़ नोन एज द कंपनी राज इन असम एज वेल एज इन इंडिया ऑल्सो. सॉरी, इन असम का डेट है 1826 से. ओके, इन इंडिया में आई थिंक इट स्टार्टेड इन 1757 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, सो इट्स नोन एज द कंपनी राज बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सो इट वॉज कॉल्ड कंपनी राज. बट ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई directly. The British annexation of Assam led to economic and political restructuring of the region. तो जब British East India Company आ गई थी असम में, तो बहुत कुछ changes आए. हम लोग ने पिछले chapters में भी देखा था कि कैसे उन्होंने revenue system को change किया, and then they also introduced English education. Okay, तो ये भी एक बहुत बड़ा change था. Okay, so and then इस वजह से क्या हुआ, नेशनल अवेयरनेस भी बहुत स्प्रेड होने लगा बिकॉज पीपल जितना जितना एजुकेटेड होते गए दे ऑल्सो बिकेम अवेयर, नेशनली अवेयर. ओके, सो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेंस बिगेन टू स्टीर द पीपल ऑफ असम. तो 19th सेंचुरी के आते आते डिसेंट मतलब होता है टू गो अगेंस्ट द टू गो अगेंस्ट समवन. ओके, सो ये कॉलोनियल डोमिनेशन जो था, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, राइट? सो कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट धीरे धीरे एक नाराजगी टाइप की जागी, असहमति जागी. ओके, एंड पीपल ऑफ असम के लोग भी थोड़ा बहुत जागरूक हुए इसके प्रति. ग्रेजुअली द वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फाउंड एक्सप्रेशन इन द राइटिंग्स ऑफ सेवरल प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ टाइम, अराउजिंग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन द रीजन. ओके, ग्रेजुअली बात है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि पीपल जब अपने आइडियाज़ को कैसे कम्युनिकेट करते थे, तब ना ही कोई सोशल मीडिया था, ना ही उतना कुछ मास मीडिया का इतना प्रचलन था. मास मीडिया इन द सेंस न्यूज़पेपर्स वेर वेरी एक्टिव, सो पीपल राइट. ओके, पीपल रोट एट दैट टाइम देयर आइडियाज़ एंड देयर फीलिंग्स. सो जो बहुत ही एजुकेटेड एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे, दे वॉन्टेड टू गिव देयर मैसेज कि हम लोग को कॉलोनियल रूल के अंदर नहीं रहना है, वी हैव टू ब्रिंग आवर ओन आइडेंटिटी. ये सब मैसेजेस, नेशनलिस्टिक मैसेजेस, दे यूज टू राइट इन पीरियोडिकल्स, ओके, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एंड इन द होप दैट पीपल विल बिकम अवेयर. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. सेवरल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन पीपल. तो ये भी था. ओके, पीपल वर कम्युनिकेटिंग विद देयर राइटिंग्स, एंड ऑल्सो सेवरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो वेयर फॉर्म्ड. उनका काम था कि दे यूज टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल. ओके, सो हम लोग एक्चुअली में व्हाट वी विल बी स्टडिंग थ्रू आउट दिस चैप्टर विल बी सम ऑफ दिस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन असम एंड व्हाट वेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और व्हाट डिड दे डू अबाउट इट. ओके, सो वी विल सी दैट इन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही यू नो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है रिगार्डिंग द असमिस लैंग्वेज की उन्नति के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो यू नो दिस इज़ द फेज व्हेन असमिस लिटरेचर इज स्प्रिंगिंग अप. ओके, एंड रीचिंग इट्स पिनाकल. ओके, so yeah, studying this part is very important for Assamese history.